आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ माय ग्लैम पार्टी मेकअप लुक जिसे आप भी ट्राई कर सकते हैं किसी भी वेडिंग इवेंट या फिर पार्टीज़ के लिए वो भी बिना पार्लर जाए हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगिंग विभा और मैं हूँ वीबा तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो तो यहाँ मैंने अपने फेस को क्लींस कर लिया है और अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ गुड वाइब्स का कुकुम्वर टोनर जो कि हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है और सबसे पहले इसे लगाना भी जरूरी होता है तो स्किन प्रेप का मेरा अगला स्टेप है सीरम यहाँ मैं गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ सीरम हमारे फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप सीरम यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गार्नियर कम्प्लीट ब्राइट विटामिन सी क्रीम इस क्रीम में एस पी एफ़ फोर्टी है ये हमें अल्ट्रा वायलेट रे से बचाता है सपोज हमें बाहर जाना है धूप का एक्सपोज़र है तो इस तरीके की एस पी एफ वाली हमें क्रीम फेस पे जरूर अप्लाई करनी चाहिए मेकअप करने से पहले ये ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं है और लाइट वेट है इसको अप्लाई करने के बाद एक से दो मिनट का वेट करूँगी देन उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लेक मे एप्सल्यू ब्लर परफेक्ट प्राइमर तो मैंने अप्लाई कर लिया है ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है इसको यूज़ करने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तो रहेगा ही साथ में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी दिखाई देगा तो यहाँ मैंने अपने पूरे फेस पर प्राइमर अप्लाई कर लिया है और अब मैं एक से दो मिनट वेट करूँगी ताकि मेरी स्किन में ये अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ फाउंडेशन केम्बूर की फाउंडेशन ये मेरी काफ़ी फेवरेट है मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ इसलिए आपको इसकी बॉटल ऐसी दिखाई दे रही है तो यहाँ मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग वन फुल पंप फाउंडेशन लिया है फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन अप्लाई करने से आपका मेकअप ड्राई लगता है तो आप विंटर्स में फाउंडेशन में कोल्ड क्रीम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इस फाउंडेशन का कवरेज काफ़ी अच्छा है मैं प्रिफर करती हूँ इसको यूज़ करना जब कुछ अच्छा स्पेशल मेकअप करना हो पार्टी का या फिर कोई इवेंट अटेंड करना हो मैं इसको अप्लाई करती हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रश की हेल्प से मैंने कैसे इसे फेस एंड नेक पर अच्छे से अप्लाई किया है ब्लेंड किया है फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद तो मेरा अगला स्टेप होगा कंसीलर तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमी नाइन टू फाइव प्राइमर फिट कंसीलर कंसीलर मैं अपने अंडर आइस डार्क स्पॉट्स आईलिस्ट्स पर अप्लाई करूंगी जिससे कि जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं वो सब हाइड हो जाए कंसीलर से तो यहाँ मैंने अपनी आई लिड्स पर भी बहुत अच्छे से कंसीलर लगा लिया है जैसे कि मेरा आई मेकअप काफ़ी ब्राइट दिखे तो फिंगर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड ब्रश से मैं इसे और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जिससे कि एक्स्ट्रा जो भी है वो रिमूव हो जाए तो इस तरीके से मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके फेस पर कोई स्पॉट नहीं है तो तो अब बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक में एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट पाउडर इसको हल्का सा ब्रश में लूँगी एंड एक्स्ट्रा रिमूव करने के बाद मैं इसे अपने फेस नेक ईयर पर अप्लाई करूँगी जिससे कि मेरा बेस मेकअप सेट हो जाए तो यहाँ मैंने अच्छे से अपना कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपना बेस मेकअप सेट कर लिया है तो यहाँ मैंने आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रोज़ फिल कर ली हैं और ब्राउज कॉम से अपवर डायरेक्शन में मैं अपनी दोनों आई सेट कर लूँ फ्रेंड्स इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा वरना आपका मेकअप कंप्लीट दिखाई नहीं देगा तो चलिए अब करते हैं हम अपना आई मेकअप इसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी की पैलेट ली है और ब्लू कलर पिक किया है तो यहाँ मैंने अपनी आई क्रीज पर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लू कलर अप्लाई किया है और अब मैं क्रीम कलर का शेड अपने आई लीड के लोअर पार्ट पर अप्लाई करूँगी ब्रश की हेल्प से एंड देन एक ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसे हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी फ्रेंड्स टाइम लगाकर आई मेकअप करिए जब भी करिए वरना वो पैची सा दिखाई देगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ मैंने 36 सिक्स आवर का वाटरप्रूफ आईलाइनर यूज किया है हल्का सा विंग निकालते हुए मैं आईलाइनर कंप्लीट कर रही हूँ जिन लोगों को लाइनर लगाना नहीं आता है या फिर प्रॉब्लम होती है वो इस तरीके का स्केच पेन वाला आई यूज कर सकते हैं और आईज को और बोल्ड लुक देने के लिए मैं यह यूज़ करी हूँ लेक मे आइकॉनिक काजल तो इस तरीके से मैंने अपनी दोनों आई का मेकअप कंप्लीट किया है तो अपनी लैशेस को और हैवी करने के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ मस्कारा तो यहाँ मेरा मस्कारा ड्राई हो गया है तो मैंने उस पर डी सेटिंग स्प्रे किया है टू टाइम्स एंड देन मैं अपने अपर आई लैशेस एंड लोअर लैशेज पर अप्लाई करूँगी तो फ्रेंड्स आपका भी रखे रखे मस्कारा सूख जाता है तो आप भी इस तरीके के डी आई वाई सेटिंग स्प्रे को यूज करते हुए अपने मस्कारा को फ्रेश कर सकते हैं और अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी ब्राउज को हाईलाइट करूंगी यहाँ पर मैंने अपनी स्विस ब्यूटी की पैलेट को ही यूज़ किया है एज अ हाईलाइटर तो यहाँ मैंने अपने ब्राउज को हाईलाइट किया है ब्रिज ऑफ द नोज क्यूपिड पॉइंट चेन फोरहेड एंड चेक्स एंड आफ्टर दैट मैं इसे एक फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी तो देखा आपने अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप अपनी आई पैलेट को भी एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं और अब मैं अपनी आईज़ को कवर करने के बाद यूज़ करने जा रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे जिससे कि मेरा मेकअप सेट हो जाए लॉन्ग लास्टिंग रहे और अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैबिंग मोशन में सेट कर लूंगी जिससे कि कुछ भी पैची सा नज़र ना आए और अब हमारा है सबसे लास्ट स्टेप लिपस्टिक जिसको लगाने से पहले मैं अपने लिप्स पर अप्लाई करूंगी हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर जिससे कि मेरी लिपस्टिक एकदम फ्रेश एंड ब्राइट दिखे और अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लिप लाइनर जो कि है मेमलिन और जिसका शेड नंबर है थ्री थ्री ए और अब मैं फिल करने जा रही हूँ लिपस्टिक जो कि लैक्मे की है नाइन टू फाइव जिसका शेड है रूबी रश और बहुत ही अच्छा सा स्मार्ट सा लुक कंप्लीट होने वाला है तो फ्रेंड्स ये है मेरी फाइनल लुक तो फ्रेंड्स ये था आज का ट्यूटोरियल आप इस तरीके से मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप कभी भी ड्राई नहीं होगा पैची सा नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिक रहेगा उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा मैं जल्दी मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग